दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला। जिला सिरमौर में सब्जी मंडियों के निर्माण व जीर्णोद्वार पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड का पूरा प्रयास है कि किसानों बागवानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए घर द्वार पर ही आधुनिक सब्जी मंडियों की सुविधा मिल सके। यह बात प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कही। भंडारी ने कहा, सराहा व घंटूरी सब्जी मंडी के लिए 3-3 करोड़, नोहराधार सब्जी मंडी के लिए 2 करोड़ तथा हरिपुर धार के लिए 50 लाख स्वीकृत किए गए हैं। ददाहू सब्जी मंडी के जीर्णोद्वार पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ददाहू व राजगढ़ में 20-20 नई दुकानें बनाई जाएंगी। पौंटा साहिब में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 5 करोड़ की लागत से मंडी का विस्तार किया जाएगा। यही नहीं, खैरी में छोटी सब्जी मंडी के निर्माण पर 1.25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सराहा में भी हमारी एक छोटी मंडी थी, उसको भी हम विस्तारीकरण उसका कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम 3 करोड़ रुपए अभी खर्च करने जा रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया। नोराधार में हमारी जमीन थी और पिछली सरकारों ने वहाँ शिलान्यास भी कर रखे थे, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। उसके लिए भी मैं नोराधार गया था। एक दिन मैंने वो जमीन देखी तो उस दिन मैंने अनाउंसमेंट की थी। उसके लिए भी हमने 2 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए है। नोराधार में भी आपको अच्छी मंडी आपके तरफ से मिली। इसी तरह घंटूरी में भी शिलान्यास हुआ था, लेकिन कई सालों से उसकी सुध नहीं ली। वहाँ का भी हमारा काम शुरू है, उसके ऊपर भी लगभग 3 करोड़ रुपये हम अभी खर्च करने जा रहे हैं, घंटूरी की जो हमारी मंडी है। इसी तरह हरिपुर धार में भी जमीन हमारे पास थी, वहाँ भी शिलान्यास कर रखा था, लेकिन जमीन वहाँ ठीक नहीं है। उसके लिए भी हमने 50 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी। वहाँ भी 50 लाख से जल्दी सब्जी मंडी हमारी छोटी सब्जी मंडी बनेगी। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो हमारी मंडियाँ हैं उन मंडियों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए जो किसान भाइयों को सुविधा मिले। और जो किसान हमारे पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, फल हमारे फल पैदा करते हैं, उनको अच्छी मंडियाँ मिले। यहाँ मैं पिछले दिनों सुखदर्शन जी के यहाँ ऊपर हम ढाटू खड़े किए थे, मैंने वहाँ बहुत सी सड़कें भी अनाउंसमेंट की थी और सब्जी मंडी के लिए और सब्जी सुखने के अंदर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन बलियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, एलएलबी, बीएएलएलबी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, जेबीटी, बीएड आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।